जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय है, सुनील जी बोरा से, जो ऐसा हिंदुस्तान का कोई कलाकार नहीं है जिसको अपने कैमरे में कैद ना करते हो, आज इस पवित्र पावन भूमि पर हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को भी कैद करने के लिए आए हैं। हो गुरु, आइए सुनील भाई के लिए भी एक बार जोर बजाइए। अरे जो सामान भात का बोलू उसे चिट्ठी मैं लिखवाना, उसे चिट्ठी में, अरे जो सामान भात का बोलू चिट्ठी मैं लिखवाना। आनंद आए हमारे, 35 मन पिया खाने सुपारी आनंद आए हमारे।
बिल्कुल सही कह रहे हो। सच्चाई है इसका रखवाली जो इसकी छत्तर छाया में पड़ता है, जो रोज इसके गुणगान गाता है। मैं तो बड़ा सेवक हूँ छोटा सा इसका, हमारी आज तक नहीं होने दी इसने बेइज्जती, तो नरसी की कहां से होने देता। आइए तीसरी बात में कहते हैं।
लिया ध्यान से सुन ले माता रे चंपा कली बुली बंदे मारा चंपा कली बुली बंदे मारा करणे फूली हर बाली चंपा कली बुली बंदे मारा करणे फूली हर बाली अरे मारे सुनी की तगड़ी लावे दो ढोंगो पे ताली मारे सुनी की तगड़ी लावे दो ढोंगो पे ताली मारे सुनी की तगड़ी लावे दो ढोंगो पे ताली सुनी का कलस सुनी के थाल सुनी के लोटा थाली सोरे असर पी अनगिन लावे जब भावे हरी मोरे असर की अनगिन लावे जब भावे हरियाली और मोरे असर की अनगिन लावे जब भावे हरियाली और सब हाथ ना बस की हो तो सब हाथ ना बस की हो तो खाली लोट हसाना जो सामान भात का बोले उठे मैं लिखवाना छुट भी गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है जो सामान अब तक लिखवाया है इस सामान में से अगर कोई सामान छुट भी गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो अब सामान लिखवाने जा रही हूं इसमें से कोई सामान छूटना नहीं चाहिए और आइए अंतिम बात में पीरो गुरु जी हिंदुस्तान के महान कवि क्या लिख रहे हैं कैसे भैया अरे मेरी पोती की खातर ल्यारे समका चुन्नी चोला मेरी पोती की खातर ल्यारे समका चुन्नी चोला जिसमें ब्याली बैठेगी एक रतन जड़ाऊ डोला जिसमें ब्याली बैठेगी एक रतन जड़ाऊ डोला या जिसमें ब्याली बैठेगी एक रतन जड़ाऊ डोला जिसमें ब्याली बैठेगी एक रतन जड़ाऊ डोला कणी मणि से बना हुआ समुद्री का ताज अनमोला आतिशबाजी लावे बिहा में सब बारूदी गोला आतिशबाजी लावे बिहा में सब बारूदी गोला आतिशबाजी लावे बिहा में सब बारूदी गोला और मेरे पीरू ने संगी लावे मेरे पीरू ने संगी लावे सहरी सुने जो सामान हाथ का बोल
देखिए बात ऐसी है,